साथ मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, उसने फौरन मेरे खाने पे हाथ रखा, कहना बाबू जी कोई ऐसी गल नहीं, तुसी फिल्म देखो जिस तरह मर्जी तुसी उस तरह बैठो। और मैं चौड़ा होकर बैठ गया, फिर उसी तरह फिल्म चलती रही, फिल्म का इंटरवल हो गया, लाइट ऑन हुई, तो एकदम देखा मैंने सामने से ना 10-12 आदमी भाग कर तेज़ी से आ रहे हैं, और वो जो मेरे पीछे बैठा हुआ आदमी था वो मोटा सा, उसको उन्होंने मुबारकबादें और जफियाँ, जी मुबारक हो, ये तो सदा स्वागत है, तो फलां है, ये है वो है। तो मैं सोचा कि इस आदमी को तो मैंने बड़ा मुश्किल जवाब दिया था, औखा हो गए, इसने मुझे कहा था कोई गल नहीं बाबूजी जैसे मर्जी वो फिल्म देखो। तो मैंने साथ वाले आदमी से पूछा, मैं कह ये आदमी कौन है, उसने कहा ये लाहौर का सबसे बड़ा बदमाश अच्छा शुक्र वाला है। मेरे मौजूद नाजरीन और सामीन ये सुनना था कि मैं आहिस्ता से निकला और मैं सन में से बाहर चला गया और सेकंड हाफ फिल्म का मैंने नहीं देखा, मैं घर चला गया। और आप यकीन करेंगे कि रात को मुझे बुखार हो गया मारे खौफ के, कि किस आदमी को मैंने क्या कहा और पत्नी वो अब मुझे क्या करेगा, ढूंढेगा, कत्ल कर देगा। ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात का खौफ अपने दिल में लिए मैं बीए कर गया, फिर मैं एमए कर गया, फिर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट सेलेक्ट हुआ, फिर फौज से भाग गया और फिर मैं लाहौर आ गया। घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने मजदूरी करने लगा, क्लर्क हो गया यहाँ, फिर मुझे फिल्म का चांस मिला और चांस मिलने के बाद मेरी फिल्म पहली वैसी जगह थी वो अंडर प्रोडक्शन थी कि मेरा रिश्ता तय हो गया। और रिश्ता तय हुआ मलक अमीन एक डायरेक्टर थे उनकी बेटी के साथ। तो जब शादी के दिन आए, वो कार्ड छुपाए, तो मेरी सास मरहुमा ने कहा कि और किसी को कार्ड फिल्म इंडस्ट्री में आप दें या ना दें, अच्छा शुक्र वाला को कार्ड ज़रूर देना। ये नाम सुनना था कि फिर मेरे अंदर कप कपी तारी होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा शुक्र वाला का आपसे क्या रिश्ता है, तो कहने लगी आप ये बात छोड़ें, आप उनको कार्ड दे रहे। मैंने कहा ठीक है। अब सास का हुक्म था, मजबूरी थी, मैंने अपने असिस्टेंट साजिद को साथ लिया और उसमें मैं लेकर मोरस गाड़ी थी मेरे पास, उसमें बिठा के मैं उनके इलाके में चला गया जहाँ लाहौर होटल है। तो रास्ते मैंने साजिद को वो सारी दास्तान सुनाई, तो साजिद ने कहा कि अगर उसने पहचान लिया तो फिर। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, हम बाहर जाकर बैठ गए। कहता तेरा ने कहा है मलक अमीन की बेटी ना, मैं क्या हूँ, तेरा ना नासिरुद्दीन, मैं क्या जी इधरा कोल मेरे। मैं कोल गया, मुझे सीने से लगाया, कहता तेन पता तेरा मेरा की रिश्ता है, तू मेरा दामाद है। आप यकीन करें कि मैं मेरे दिल में ढेरों ही खून बढ़ गया। कहता पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के भी तू आए, किसी किस्म का कोई मसला होए, कोई तेन तड़ी लावे, कोई तेरे नाल ज्यादती करे, तेरे नाल कोई उच्चा बोले, कोई तेरी बिस्ती करे, सीधा मेरे को आना है। मैं कहते ना ठीक, मैं चला गया। ये उनके साथ मेरी दूसरी मुलाकात थी। तीसरी मुलाकात शादी पर वो आए, उन्होंने जो भी वो लेना देना था वो किया, मेरी उनसे मुलाकात नहीं। अब जो अगली मुलाकात है तीसरी, वो सुनी इलेक्शन आ गए राइटर एसोसिएशन के, ख्वाजा परवेज साहब अरसा दराज से अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, वो उनका कोई कंपटीशन नहीं करता था, मैंने उनको चैलेंज कर दिया। और एक नौबारद आदमी जिसने चैलेंज किया और सामने ख्वाजा परवेज साहब, तो मैं जनाब वहाँ से निकला, ऐसे मुझे ख्याल आया और मैं शाहनूर चला गया। उस वक्त वो शाहनूर पर दफ्तर में बैठा करते थे पहलवान साहब। मैं गया, मैंने जाकर सलाम किया, ओए पुत्र किस तरह हैं। मैंने कहा जी मैं राइटर एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे सामने ख्वाजा परवेज। कह लो तेरे सामने सारी दुनिया हुए, तू चेयरमैन है। वो इकबाल साहब को लेकर आए जो प्लाजा सिनेमा के मालिक थे, और पत्नी किस किस की सिफारिश करवाई उन्होंने। पहलवान साहब ने उनको एक ही जवाब दिया, नासिरुद्दीन के काले चार पा दे अपनी हथे, बस ये मेरा आखिरी फैसला। ख्वाजा साहब वो इलेक्शन का रिजल्ट सुने बगैर चले गए। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आया, 274 वोट थे उस वक्त राइटर्स के, उनमें से 247 वोट मेरे थे और 27 वोट ख्वाजा साहब।
ये 88 की बात है, और उस वक्त से लेकर आज तक मैं राइटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। उस शख्स ने मुझे ऐसा चेयरमैन बनाया कि आज तक मुझे उससे कोई हटा नहीं सका। ये मेरी उनके साथ चौथी मुलाकात थी। पांचवी मुलाकात मेरी कब हुई कि मैं गाड़ी में जा रहा था और ये जो प्रेस क्लब है जहाँ शिमला पहाड़ी है, मैंने रेलवे स्टेशन जाना था, सीट की बुकिंग करवानी थी। अब मैं जा रहा हूँ तो आगे से एक जनाजा आ रहा है और उसके साथ मेरे हमारे 2-3 हज़ार आदमी था। तो एकदम एक आदमी ने मुझे कहा गाड़ी एक तरफ करो। मैंने गाड़ी एक तरफ की और मैं निकल के बाहर आया। मैंने लाहौर में इससे पहले एक जनाजा देखा था दीन ममन पंखे वाले का, उसके जनाजे के साथ मैंने 5 लगे देखे थे। या मैंने ये जनाजा देखा जिसके साथ इतने आदमी थे। मैंने एक आदमी से पूछा ये किसका जनाजा है, तो उसने कहा ये अच्छे शुक्र। ये मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात।